सारे लोग नए हैं, आरसीएम ज्वाइन नहीं है, आरसीएम का प्रोडक्ट भी आप यूज नहीं करते हैं, नहीं किया है। चलिए आपको आरसीएम का प्रोडक्ट भी हम यूज कराएंगे, परेशान नहीं होना है, टेस्ट करा करके यहां से हम आपको भेजेंगे। लेकिन अब दोस्त सीधा सा आपसे बात करेंगे एक मिनट कि आपके पास दो ऑप्शन है, एक रामलाल की दुकान है और एक श्यामलाल की दुकान है। एक रामलाल की दुकान है, एक श्यामलाल की दुकान है। रामलाल अपने दुकान पे अपने ग्राहक को कुछ भी नहीं देता है, अपने सामान की गारंटी भी नहीं देता है और एक पैसा छोड़ता भी नहीं है। लेकिन श्यामलाल अपने ग्राहक का कदर करता है और अपने सामान को 30 दिन की गारंटी देती है, देता है कि आज आप खरीद के लेकर के जा रहे हैं, आज कौन तारीख है, आज 7 तारीख है, अगले 6 तारीख तक आपको रिटर्न करने का अधिकार भी है। बाहर मार्केट के दुकान पे लिखा रहता है कि बिका हुआ सामान वापस, लेकिन आरसीएम की दुकान पे आप जाते हैं तो आपको 30 दिनों की गारंटी मिलती है कि आज का खरीदा हुआ सामान अगले 6 तारीख तक आप रिटर्न कर सकते हैं। यानी श्यामलाल की दुकान आपको 30 दिन की गारंटी भी देता है और रेट से एमआरपी से कम में सामान भी देता है और फिर बाद में आपके खाते में भी कुछ धनराशि भेज देता है। अगर ये दोनों दुकान पे जाने का आपको ऑप्शन दिया जाए तो किस दुकान पे आप जाएंगे, श्यामलाल की दुकान पे? बात तो समझ में आ गई है, इससे ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा हो कि दो दुकान, एक दुकान पे आप जाते हैं तो ये दुकान आपको बीमारी देता है और एक दुकान पे आप जाते हैं ये हमेशा आपको स्वास्थ्य देता है। एक दुकान पे जाते हैं आपके पैकेट की लक्ष्मी को किसी और के घर में भेज देता है, एक दुकान पे जाते हैं तो आपके पैकेट के लक्ष्मी को फिर आप ही के घर में वापस कर देता है। किस दुकान पे जाना चाहिए, लक्ष्मी वाली? यही आरसीएम की दुकान। इसी बात को समझाने के लिए मीटिंग बुलानी पड़ती है। क्यों मीटिंग बुलानी पड़ती है, इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि अपना अपने से नहीं समझता। आप कितना हो बड़े मैथ के टीचर है औरंगाबाद के, लेकिन आपका बेटा आपसे कभी मैथ नहीं पढ़ेगा, किसी और टीचर के पास आपको भेजना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि यहां पर जितने भी नए लोग हैं आप लोगों से एक क्वेश्चन हम करना चाहेंगे कि हम सारे लोग एरोप्लेन पे, एरोप्लेन में है सारे लोग और इसमें से एरोप्लेन में से बहन जी आपको कूदने के लिए बोला जाए आप कूदेंगी? नहीं कूदेंगी। सर आप पैराशूट नहीं दिया जा क्यों नहीं कूदेंगे? सर आप एक मिनट सर, आप इधर भी जान लें बहन जी, आपको अगर मौका मिले पहले भी सच्चे जर मैडम, यानी पैरा, अरे पैराशूट नहीं दिया जाए तो 4 लाख रुपया अगर दिया जाए तो कम है 10 लाख कर दे नहीं कूदेंगे? यानी इंसान के दिमाग में जैसी प्लेन की बात आती है कूदने पे जान का खतरा। आरसीएम बिजनेस जैसे ही बताया जाता है लोग इसको बिजनेस नहीं मानते क्योंकि पैसा नहीं लगता इसमें। पैसा अभी तक बिजनेस को लोगों ने क्या माना है कि 2-4-10 लाख पूंजी जिसमें इन्वेस्ट हो, कुछ उधार हो, कुछ ससुराल से लें, कुछ दोस्तों से लें और एक दुकान खोल लें, उस बिजनेस मानते हैं। लेकिन आरसीएम में कुछ नहीं लगता इसलिए इसको बिजनेस मानने के लिए लोग तैयार नहीं है। लेकिन ये बदलते जमाने का बदलता व्यवसाय है, इसमें पैसा नहीं लगता है। तो जैसे हमने आपसे कहा कि प्लेन से कूद सकते हैं क्या, तो आप बोलते हैं कि नहीं कूद सकते हैं।
लेकिन पहले एक बात तो आपको सोचनी चाहिए, पूछनी चाहिए कि वो प्लेन एयरपोर्ट पे लैंडिंग अवस्था में है या आकाश में है। अगर वो प्लेन जमीन पे लैंडिंग अवस्था में है तो कूदेंगे तो क्या हो सकता है जी? कुछ भी नहीं हो सकता है। 5-7 फीट तो ऊपर रहता है। उसी तरह जैसे ही आरसीएम अतना इसको बिजनेस मानने के लिए लोग तैयारी नहीं है, लेकिन ये बिजनेस है, बदलते जमाने का बदलता बिजनेस है। ऐसा बिजनेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सर यहाँ पर भुजिया था, इन लोगों का एक बार टेस्ट कराए हम, प्रोडक्ट भी हम आपको टेस्ट करा देते हैं। ईमानदार जो व्यक्ति है वो आगे हैं। कोई ईमानदार नहीं, ये ईमानदार है तो नहीं है ना? नहीं, महिलाएं बहन जी आप ले और फाड़ के सबको टेस्ट कराना है, भले अपने मिले या ना मिले सबको टेस्ट कराना। एक बार म्यूजिक भी बजे, जोरदार ताली भी लोगों के लिए हो, म्यूजिक भी बजे।